आज मैं आरवी रिकॉर्डिंग सेंटर भीमपुरा नंबर एक जिसके प्रोपराइटर हैं सोनू विश्वकर्मा जी, उनके स्टूडियो में मैं महान शख्सियत, महान समाजवाद के पुरोधा रहे जिन्होंने दलित और बैकवर्ड को समाज में बैठने का जगह दिया, समाज में जीने का अधिकार दिया, उस शख्सियत का मैं श्रद्धांजलि गाने जा रहा हूं। के म्यूजिक के चैनल से आप लोगों को ये श्रद्धांजलि सुनने को मिलेगी। जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा। नेताजी की मौत जब सुना मैं, रोते रोते मेरी हालत खराब। 2 दिन मैं उपवास किया। इतना गम था कि श्रद्धांजलि गाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे भी कलाकार समाज में हैं कि नेताजी आईसीयू में थे, वेदांता के हॉस्पिटल में, गुरुग्राम में। लोगों का दौर दुआ चल रहा था कि मालिक बकस दीजिए माननीय मुलायम सिंह यादव को, 2-4 साल और रह जाएंगे, हम गरीबों का कल्याण हो जाएगा। और एक एक कलाकार है कि वो हॉस्पिटल में है, अपनी अपनी गीत गा करके और रख लिए कि जो ही नेताजी मरेंगे छोड़ देंगे, हीरो हो जाएंगे। कलाकार तो उसको मैं मानता कि नेताजी जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी दुआ कह कैसे छोड़ देते, हम तुम्हें कलाकार मानते। गाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन एक शख्सियत, मेरा छोटा भाई जो नेताजी को अपना भगवान मानता है, वह शख्सियत रमावती नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज 12D 7वां बलिया में, बागी बलिया में स्थापित है, जिसके प्रबंधक हैं श्री ज्ञान प्रकाश यादव और पिंटू यादव के नाम से जानते हैं, जो नेताजी के सपनों में जीते हैं, नेताजी के सपनों में मरता है वो लड़का, जिसके पिता श्री हमारे बहुत अजीज मित्र रहे, स्वर्गीय हो गए वीरेंद्र यादव, नेताजी के दम पर सामंतियों से लड़ते थे। हम उन शख्सियत को प्रणाम करता हूं, वो भी जहां हो उनकी आत्मा को मालिक शक्ति दें, जिनका नाम वीरेंद्र यादव था, उन्हीं के सपूत हैं। इस लड़के ने मुझे रात में फोन किया और कहा कि मेरे सौजन्य से इस कैसेट को जाना चाहिए नेताजी की श्रद्धांजलि। और अंशिका हेल्थ केयर, अखिलेश यादव डॉक्टर साहब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अमित यादव लखनऊ से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, आशुतोष यादव श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। भूमिका के लाइन में है। पिछड़ों के आए थे बन के मसीहा, लोहिया के दिल के कहानी मुलायम, अहंकार जिनको कभी छू न पाया, चौधरी चरण के निशानी मुलायम, हिम्मत हिमालय से ऊंची थी जिसकी, मुकद्दर से अपने सिकंदर बने, बिल्कुल करण जैसे दानी मुलायम। पूरे देशवासियों की तरफ से, देश और प्रदेश के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूं। एक कव्वाली है मुन्ना, कौन कव्वाली है? इसलिए मैं इस कव्वाली को डाल दिया कि मंदिर और मस्जिद जिसको दोनों प्यारी थी, माननीय कांसीराम के साथ हाथ मिला के जब चले थे, लोगों ने भी नारा दिया कि मुल्ला मुलायम है।
मुसलमान नमाज पढ़ना, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अरे दिया शहादत हुसैन जैसा, दिया शहादत हुसैन जैसा आज तलक कोई दिया नहीं है। क्यों आज हिंदुस्तान के लोग रो रहे हैं? समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी दल का कार्यकर्ता हो, आंसू क्यों बह रहा है? ग्राहक लाइन में है कि धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम था, धरती और गगन में अब तक अरे जिसका जलवा कायम था, अरे जिसने कभी ना झुकना सीखा, जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम था। से शायर की लाइन से मैं शुरू कर रहा हूं, संगत से मास्टर कैसे जिलाई दावा गांव से फई में जाता हूं, कहानी धरती पुत्र का मैं आज तो सुनाता हूं, करके आए थे बड़ा अनमोल हीरा गोद में वो पाए थे, माता मूर्ति देवी के पवन चरिया हो, हुआ गुलजार वही लाल से बखरिया हो। इटावा जिला गांव सैफई छोटा सा गांव है, उसी गांव में बाबू सुघर सिंह किसान थे जिनके गोद में माननीय मुलायम सिंह यादव आए, माता मूर्ति देवी के आंचल में पैदा हुए। पांच भाई थे माननीय मुलायम सिंह, ये पूरे प्रदेश को लोग जानते हैं। धीरे धीरे नेताजी कुछ सयान हुए, पढ़ने लिखने लगे, पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ पहलवानी का बहुत उनके मन में शौक जगा और छोटी उम्र में अपने से डेढ़े पहलवान को चित कर देते थे। पढ़ने लिखने के बाद पहलवानी और शिक्षक भी बन गए, पढ़ाते भी थे, पहलवानी भी करते थे, बाप के किसानी में भी हाथ बटाते थे। बिरहा में गीत बदल गए किसे बाबू, बाईस नवंबर 1939 में जन्म हुआ नेताजी का। गीत है बा माता बहन गावेली, निबिया के डरिया हो मैया डाले ली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली हो कि झूली रे झूली हा मैया मोरी गा I'm not afraid of the dark.
विरह में भाव है अखिलानंद बाबू। देखिए हम गा रहे हैं, हमारे पूरे पार्टी के लोग रो रहे हैं और मावती संस्थान के हमारे छोटे भाई पिंटू भी रो रहे हैं, आस बहा रहे हैं स्टूडियो में। पढ़ी लिखी मुलायम सिंह भैले जब सायनवा पहलवनवा रे भैले, ओ पहलवनवा रे भैले, असुघर सिंह बड़ी हुई छोटे कद काठी के इतना फुर्तीला, बड़े बड़े पहलवानों के पेट में घुस के पट दीक्षित कर देते थे। एक बार सैफई में बहुत बड़ा दंगल हुआ जिसमें बहुत बड़ा नाम था राजनीति में, जसवंत नगर के नेता थे नाथो सिंह जी। उस दंगल को देखने गए अपने डेढ़े पहलवान से लड़े मुलायम सिंह और उसे मात्र आधा मिनट में चित कर दिए। इस दंगल के दृश्य को नाथू सिंह यादव देख रहे थे, कहा सुतले नाथू सिंह गए पर गौर किए नाथू सिंह और कहे कि इसमें वो जज्बा दिखाई देता है जो समाज के लिए ही लड़ सकता है। अब के नेताओं में त्याग नहीं है। आया धीरे धीरे वह दिन, विधानसभा का चुनाव आया, जसवंत नगर से नाथू सिंह ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, टिकट दिलवा दिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, लेकिन लड़ना था किससे? लाखन सिंह से लड़ना था जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बहुत बड़ा चेहरा थे। जब मुलायम सिंह यादव ने पर्चा भर दिया उनके सामने तो लोगों ने कहा, जमाने के लोगों ने, कि तो शेर और बिल्ली की कुश्ती होने जा रही है। इतनी गरीबी थी नेताजी के पास, प्रचार करने के लिए कोई संसाधन नहीं था। गांव के लोगों ने मीटिंग किया और कहा कि हम एक वक्त भोजन करेंगे और शाम को भोजन नहीं करेंगे। शाम का अनाज घर घर से जो बचेगा एक वक्त का भोजन, वह बेच करके लोगों ने दिया। लड़ने के लिए पांचों भाई साइकिल से निकल के प्रचार करते थे। का भैल गीत लगा लावा लावा तरज के छोड़ा भी रहा कबा सुना कि लड़ी गई ले सैफई के लाल वही रनावा में। I'm not afraid.
नेताजी के श्रद्धांजलि में आंसू बहाते हुए रमावती नरसिंह पैरा मेडिकल कॉलेज बाराडी सतहवा बलिया के प्रबंधक मेरे छोटे भाई ज्ञान प्रकाश यादव और पिंटू बाबू की तरफ से नेताजी के श्रद्धांजलि में 500 रुपये से सम्मानित किए हैं। नेताजी अमर रहे इस दुनिया में और उनका आशीर्वाद पिंटू बाबू पर बरसता रहे। प्रचार करे लगला नेताजी पांचों भाई के लेके गरीबी में। लाखन सिंह यह सोचे हमारी सामने ही लड़ी का पै है लेकिन भाई का पांचों भाई साइकिल उठा के लगले घूमे। जनता गरीब धके लागल उनके छू में कई दिल लड़ के कमाल वही रहना वाले कई दिल लड़ के कमाल वही रहना वाले नतीजा ही आया काउंटिंग हुई बहुत भारी मतों से लाखन सिंह को धूल चटाने का काम किया माननीय नेताजी ने। 28 वर्ष के उम्र में प्रदेश में सबसे कम उम्र में विधायक बन गए और जब विधायक बने कांग्रेस का जलवा था क्रांति के समग्र पुरोधा थे जयप्रकाश नारायण जी ने लोहिया जी के सानिध्य में उन्होंने माननीय चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में लड़ाई लड़ना शुरू किया। और यही नहीं एक बात बता दूं इटावा जनपद जो है उसके अगल बगल केवल डाकुओं को हुकूमत चलती थी। नेताजी पे खतरा भी था। नेताजी कभी घर नहीं जाते थे जब राजनीति में रम गए तो शिवपाल ऐसा भाई दुनिया में मिले सबको जो नेताजी को हर खतरे से बचाते रहे। ये लगा कि उनके बेटे छोटे थे अखिलेश जी उनका अपहरण करवा लेंगे सामंती अपने भाई शिवपाल को भेज करके राजस्थान के विद्यालय में एडमिशन करवा दिए बेटे को वहां छोड़ दिए। और धीरे धीरे समय बीता बाबू 1977 में सहकारिता मंत्री बन गए। जब माननीय चौधरी चरण सिंह को ये लगा कि नेताजी की हत्या करवा देंगे सर बहादुर नेता है तो 1977 में सहकारिता मंत्री बने 1980 में लोक दल के अध्यक्ष बने। चौधरी चरण सिंह ने 1982 में विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया खतरा को टालने के लिए। अतौले का भइल देश के अंदर आवा जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किए नेताजी इंदिरा जी की कुर्सी डगमगाने लगी। इंदिरा जी ने सोचा इमरजेंसी लगवा के सारे नेताओं को जेल में डाल दूं। यहां भी तो है बात हो जाता बलम मर सिपाहिया लागल इमरजेंसी जवना
हंसी लगी, लेकिन डट के मुकाबला कर रहे थे माननीय नेताजी, हिम्मत नहीं हारे। लेकिन हुआ क्या इमरजेंसी में, बड़े बड़े नेता साथ जेल चली गई ले। कारवां सजाए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने हर जनपद में घूम करके बगावत किए कांग्रेस का। और बगावत किए तो 1989 में क्या हो गया, बांधल सर पर सीएम के पगारिया हो, बांधल सर पर सीएम के पगारिया हो, क्रांति में माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सामंतियों का जवाब देते हुए इंदिरा जी के शासन को केंद्र में हिलाने का काम किए। दलित बैकवर्डों के मसीहा बन गए, जन जन के चहेता बन गए। नेता का दर्जा दो ही आदमी को। विश्व ने एक बार, आप हम सुन रहे थे रेडियो, जो सबसे समाचार कौन बताता है, बीबीसी लंदन, कहा कि विश्व में तीन ही नेता हुए, तीन ही नेता हुए, बाबू सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, माननीय मुलायम सिंह यादव। इन्हीं लोगों के सामने नेता की उपाधि दी गई, बाकी किसी को नहीं। जब मसीहा गरीबों को बन गए, राज चलाने लगे, तो यहां गीत बदल गए, बाबू आओ। अदना किसान के घर से निकला हुआ गरीब का बेटा जन जन के दिलों में राज करने लगा, सबकी आवाज बन गए। और जो जो घोषणाएं नेताजी ने किया, खजाना भले उत्तर प्रदेश का खाली हो जाए, उसका गम नहीं किए। लिखत वन कवि जी, तीन बार सीएम के कुर्सी को पाए, अयोध्या में लड़के बचाए, अरे वादा किए जो समाज के अंदर, अरे नेताजी सबको निभाने लगे, धरती के पुत्र कहाने लगे।
आंधी चली मंदिर मस्जिद वाली, जिसमें सरकार चली गई। नेताजी ने देखा कि दलितों को बूथ से जाने के लिए सामंती लोग रोकते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब से उन्होंने हाथ मिलाया और एक नारा प्रदेश ने दिया कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सरकार पुनः बनी, सामंतियों ने अपने विचार से फिर सरकार को गिरा दिया। इंदिरा जी ने सोचा कि बिना मुलायम सिंह के केंद्र में फिर सरकार नहीं बनने वाली है। सहयोग किए, रक्षा मंत्री बने। सीमा पर जिस दिन गए थे नेताजी, रक्षा मंत्री बनने के बाद नेताजी के दिल में एक वेदना उठी कि जो पहाड़ों पे बर्फ में जंगल झाड़ में दिन रात पहरा देते हैं मेरे सिपाही, मेरे वतन के रखवाले, ये मर जाते हैं तो टोपी जाती है। अपने कलम से नेताजी ने लिखा कि अब कोई जवान देश का शहीद होगा, राजकीय सम्मान के साथ उसके पार्थिव शरीर उसके घर जाएगी, साथ साथ 10 लाख रुपए मुहैया कराएगा। इतना बड़ा कदम आज तक रक्षा मंत्रालय में किसी ने नहीं उठाया। गए थे आज देख रहे हैं चीन भारत में कितना घुस गया है। गए थे चीन के बॉर्डर पर नेताजी ने और कहा कि चीन कान खोल करके सुन लो, जिस दिन हमसे जंग होगा तुम्हें और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूंगा। उस समय चीन पीछे भगा था। धीरे धीरे नेताजी की बढ़ोतरी आ गई। बढ़ोतरी आई 2012 में, बाबू अपने बेटे को अभिमन्यु जैसे रथ पर बैठा के कहा कि अब इन गरीबों का मसीहा तुम बनो, इनकी रखवाली तुम करो। प्रदेश में रथ लेके निकल गए। क्या हुआ कि 2012 में बहुमत को पाए, सीएम बेटा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नेताजी बढ़ोतरी को देखते हुए जनता की आवाज आने लगी, अखिलेश जी को सीएम बनाना चाहिए। नेताजी ने कहा कि जब सब लोग चाहते हैं तो बना दे। सीएम बन गए अखिलेश। जो लड़का विदेश में पढ़ा हो वैसा सीएम तो हमारे हिंदुस्तान में आज तक नहीं कोई हुआ। सीएम बने क्या किए कि बाप के राह पर अखिलेश बेटे को सीएम बनवा दिए। आज जो 100 नंबर हर चौराहे पर गरीबों के फोन पे चली जाती है, किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। धीरे धीरे नेताजी की सेहत खराब होने लगी। जब भी बीमार पड़ते थे वेदांता में आते थे, ठीक होके चले जाते थे। समय बीतता गया। ये बाबू ये 2022 जब आया है, नेताजी की तबीयत खराब हुई। गए वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सबका कलेजा झकझोर के रख दिए। जब टीवी पर समाचार देता था कि हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो कभी अपने दिल से लिखा है टीवी को देखने के बाद, क्या कलम लिखी है? अरे मोरे राम जहनवा, जहनवा में अब डूबी चनवा, अरे जहनवा में अब डूबी, हो जहनवा में ही डूबी चनवा, अगले वेदांता में रोवेला।
वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुई। 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5वें दिन लोग कहने लगे कि जीवनदान की दवाइयों पर चल रहे। लोगों के घर घर से रसोई बंद हो गई। बहुत हवन जग हमारे पिंटू बाबू भी करवाए। जगह जगह मंदिर में मस्जिदों में दुआएं होने लगी कि 4 साल 5 साल मालिक और इस शख्सियत को बचा लीजिए। लेकिन विदेशिया के लाइन में कभी लिखत हो कि होखे उपचार लागल आ समाचार लागल, अरे पल पल बिगड़े लागल वही नेताजी के हालत। देशवा प्रदेशवा के ए पंचो लोग घबराए लागल, का हो विधाता कैला बजरे का छतिया। सबके चहे ताई गरीबवन के नेता हुए, नर नारी सबे करे लागल बमी नीतिया। हर घर से प्रार्थनाएं शुरू हो गई, नेताजी को बचा लीजिए मालिक, नेताजी को बचा लीजिए। लेकिन भैले कलेश अखिलेश नीर धारे लगल, अरे केहू तर पीतल 9 अक्टूबर वाली रतिया। इसी तरह से 9 अक्टूबर की रात बीती। लेकिन धीरे धीरे जब 10 अक्टूबर आया है बाबू, सुबह 8:15 बजे क्या हुआ, कवि ने लिखा है, बिरहा में गीत है। वह गीत बा झाझर मड़ुआ जनी, झाझर ए मड़ुआ जनी छावई हाये बाबा हो, झाझर ए मड़ुआ जनी छावई हाये बाबा हो, लगी है शुरू जावा के जी के जिंदगी में 2 अंक जो सबसे पहले जिंदगी में खुशी लेके 2 अंक आया। जब 2 दहाई में था, 8 इकाई में था, तो 28 साल की उम्र में नेताजी जसवंत नगर से विधायक बन गए। और वही 2 जब इकाई में चला गया और 8 दहाई में आ गया, तो 82 साल की उम्र में नेताजी का क्या हुआ उस मेदांता हॉस्पिटल में। 10 अक्टूबर जब पहले सबेरावा हो, 10 अक्टूबर जब पहले सबेरावा हो, I'm not afraid of the dark.
8:15 बजे सुबह 10 अक्टूबर को 2022 को क्या हुआ कि 8:15 बजे डूबल इस वक्त में जहाँ पिजरा के छोड़ी उड़ी गई लड़ी सुगनावा सबके नजरिया पर से बनी के बदरिया हो सबके नजरिया पर से बनी के बदरिया हो चारों ओर मचल हाहाकार हो छोड़ दिए माननीय नेताजी इस दुनिया को चल बसे मेदांता के हॉस्पिटल में 8:15 बजे अंतिम सांस ले लिए। देखिए जितने दलित बैकवर्डों की लड़ाई लड़ने के लिए महापुरुष पैदा हुए ये सब अक्टूबर महीने में ही गए हैं। पिंटू बाबू बता रहे थे हमसे कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की मौत हुई और 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम इस दुनिया से चले गए, 10 अक्टूबर को माननीय मुलायम सिंह चले गए, 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चले गए। नेताजी अंतिम सांस लिए टीवी चैनल के माध्यम से फेसबुक पर सनसनी फैल गई पूरे हिंदुस्तान में कि माननीय मुलायम सिंह धरती पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे। हजारों हजारों के हुजूम देश के लोग दौड़ पड़े अंतिम दर्शन के लिए। जो हाईवे रोड दिल्ली से जाता है सैफई को करोड़ों करोड़ों लोग रोड पे जमा हो गए। कभी आल्हा में लिखा था कि जन जन से खबरिया फैलल अरे शोक के लहरिया बाबू के चल गई ला माई हमार बचपन में मर गई तो अरे सहारे हम समाज के सेवा करते हैं हमको अब रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी फोन पे रोने लगे जोगी जी कोई दल बाकी नहीं था कोई नेता बाकी नहीं बिहार से लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी केशव प्रसाद मौर्य कितना नाम गिनाऊं लेकिन कब है चलल गुरुग्राम से जब पार्थिव शरीर हो बाबू चली सैफई गांव के लिए दर्शन एक झलक पाने के लिए लाखों लोगों ने हाईवे रोड को जाम कर दिया। बड़ी मशक्कत रोते हुए
अखिलेश जी को करनी पड़ी, शिवपाल जी को, राम गोपाल जी को, धर्मेंद्र भैया को। धर्मेंद्र का रो रो बुरा हाल था, डिंपल जी का रो रो बुरा हाल था, परिवार की हालत तो कुछ में मत कीजिए। अखिलेश के बच्चे रो रहे हैं बाबा के लिए। किसी तरह से लोगों को दर्शन कराते हुए सैफई लेके गए। रोवता बता दूं, नेताजी के श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से हमारी भी उम्र 55 साल की होने जा रही है। जिंदगी में आजादी के बाद किसी शख्सियत के दुनिया से जाने के बाद इतना बड़ा जन सैलाब हमने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े नेताओं को पेड़ के नीचे जगह मिली, जो एसी में रहते हैं उन नेताओं को जगह नहीं मिली। सैफई पूरे लोगों से पट गया था, हिंदुस्तान के लोगों से। किसी तरह से लोगों के भीड़ को चीरती हुई गांव के शमशान घाट पे लाश गई, और इस गरीबों के मसीहा तो नहीं रहे, लेकिन जिन पे आस है पूरे दलित बैकवर्ड समाज को, उनका धरती पुत्र का बेटा अखिलेश यादव जब मुखाग्नि दिए तो नेताजी के चिता से एक आवाज आई उनकी आत्मा से, जिसको खड़ी की लाइन में कवि लिख रहा है। ये नेताजी के दिल की आवाज है, चिता जल रही थी, उनकी चिता से आवाज आई है कि नेताजी की आत्मा से ही आवाज आई है, मुझे चाहने वाले करोड़ों लोग, अब मेरा दर्शन अगर करना चाहते हैं तो सुनिए, दर्शन कराऊंगा। कैसे? का कारण नेताजी कि चली गई ले धरती पुत्री, आउ है मोहन का सूरतिया, अझल की अखिलेश में हमारा अब हमें जानिएगा कि अखिलेश में ही माननीय मुलायम सिंह की आत्मा है। यही नहीं, नेताजी ने एक संदेश और उनकी आत्मा ने अखिलेश को भी दिया है कि हमारी लगन के अब दिल से पहचान हां बबुआ, आया अखिलेश के मुलायम सिंह अब जानी हां बबुआ। यही नहीं, लिखला कवि जी एक लाइन और, दो शख्सियत का नाम कवि ने लिखा है। क्या लिखा है कि गईला
गैला से गैला जगतिया से सोभे गैल हिली मुलायम कांसी राम जैसा नेता नहीं मिली। समाजवादी पलटन के लोगों के नेता जी की आत्मा की आवाज है। आखिरी लाइन कैसे कि उनकी करनी के अरे हर दम बखनी हा बिरना उनकी करनी के तू हर दम बखनी हा बिरना अखिलेश के मुलायम सिंह तू जनी हा बिरना। हम अपने छोटे भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं, पिंटू यादव सतहवा की माटी से बागी बलिया के, जो आपने नेताजी की श्रद्धांजलि को गवा करके और बहुत बड़ा काम आपने किया है। इतना विश्वास आस आपका नेताजी में है, सदैव मालिक आप पर मेहरबान रहे मेरी कामना है। तो जय जयकार स्वामी गुरुदत्तू की लहराती फुलवारी स्नेही श्री नारायण सगमित अरे जहना।